नमस्कार दोस्तों, लव मंत्र उपाय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ वह बेहद ही खास है और जिनकी चर्चा इन दिनों मेरे साथ सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई है और सबसे ज़्यादा जिन बहनों और भाइयों ने मेरे को कॉल करके कहा है, स्त्री पुरुष ने, कि गुरु जी हमें डिवोर्स तो चाहिए लेकिन हमारे घर वाले नहीं मान रहे। कई बार मित्रों, आज का जो वशीकरण उपाय मैं आपको पहले बता दूं, ये उपाय है डिवोर्स कैसे प्राप्त करें, यानी कि तलाक किसी से कैसे लें। लेकिन कई बार मित्रों, आपके हस्बैंड वाइफ, जैसे मान लीजिए आप किसी से डिवोर्स लेना चाहते हैं, शायद आपको लगता है कि हाँ वह तो मान जाएंगे डिवोर्स के लिए, लेकिन मैं अपने घर में कैसे बात करूं, अपने ससुर सास ससुर को कैसे मनाऊं डिवोर्स के लिए, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को कैसे मनाऊं डिवोर्स के लिए। ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए ये प्रयोग है, पति पत्नी दोनों ही कर सकते हैं यदि आप किसी से तलाक चाहते हैं। लेकिन अड़चन क्या होती है कि आपकी फैमिली ही सबसे बड़ी आपके लिए परेशानी है, क्योंकि आप अपने घर में हिचकिचा रहे होते हैं कि मैं तलाक की बात कैसे करूं, वे मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो उस टाइम आपको, आपने कभी बातों में अलग होने का किसी से सोचा भी है, या आपने तलाक लेने का थोड़ी सी बात की है तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपको डर रहता है कि मेरा परिवार भी मुझसे अलग ना हो जाए, मुझे गलत ना समझे। लेकिन आपकी जो पर्सनल जो कमजोरी है कि आप तलाक क्यों लेना चाहते हो, वो हर एक बात आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली कई बार प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है, हम अपने माँ बाप, भाई बहन या सास ससुर को बता नहीं सकते कि हमें एक्चुअली हमें परेशानी क्या चल रही है, क्योंकि कोई मजबूरियां, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और उस समय हम अपने एक जो जिंदगी है, वो जो अपना एक अमूल्य जो जीवन है, उसको घुटन में महसूस कर रहे होते हैं और उसे घुटते घुटते जी रहे हैं, अपने दिल के अरमान मारकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। तो मित्रों, यदि आप डिवोर्स के लिए अपने परिवार, सास ससुर, भाई बहन, किसी को भी, रिश्तेदारों को मनाना चाहते हैं ताकि आपका आसानी से तलाक हो जाए बिना किसी परेशानी के, और आप जिनसे प्रेम करते हैं या अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं जीवन की दोबारा फिर से, तो आप इस प्रयोग को करके आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, विधि बताने से पहले मैं कहूंगा, अगर अब तक आपने हमारे लव मंत्रा उपाय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके वे मंत्र बता पाए। तो चलिए मित्रों, इस कार्य को मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। इस कार्य को आप शुक्रवार व गुरुवार के दिन, इन दो दिनों में आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे आप जब भी इस कार्य को शुरू करें, चाहे आप शुक्रवार को शुरू करें, चाहे आप गुरुवार को शुरू करें, और चाहें तो आप शनिवार को भी इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। इन तीनों बार में से कभी भी आप इस कार्य को शुरू करें तो आपको लगातार 3 दिन इस कार्य को करना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल उपाय है। ज़्यादातर लोगों को जो उपाय मैंने पहले बताए हैं उनमें बहुत सी परेशानी हुई है, वो कहते हम कर नहीं पाते, खास करके महिलाएँ कहती हैं हम घर से बाहर नहीं जा सकती। तो मैं आपको बता दूँ, ये उपाय है, आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं जिन्हें आप मनवाना चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने मम्मी पापा को मनवाना चाहते हैं, आप अपने पति या पत्नी से 6 महीने दूर है, वे अपने मायके बैठी है, तो इस तरीके से आप चाहते हैं कि आसानी से परिवार वाले मान जाए और हमारा रिश्ता खत्म हो जाए, मैं नए जीवन की शुरुआत करूँ, तो आपको चाहिए कि आपको कपूर टिक्की चाहिए, 4 कपूर टिक्की। ये 4 कपूर टिक्की चाहिए आपको। आपने कपूर टिक्की के बारे में तो आप जानते ही हैं, पूजा अर्चना में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की आपको 4 कपूर टिक्की चाहिए, बिल्कुल इसी प्रकार की। वो जो विधि है, यदि मैं वैसे तो आपको लाइव इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ पाए, लेकिन जो विधि मैं आपको कार्य बताऊंगा वह आप ही को करना होगा, क्योंकि ये काफी प्रचंड कार्य है। तो आप जिस समय इसे करें तो उस समय आपकी सोच विचार अच्छी रखें, जो आपकी वैचारिक धारा है वह अच्छी रखें, और दिल में यह कदापि न लाएं कि यह प्रयोग होगा या नहीं, ना मात्र भी नहीं लाना है, मतलब नकारात्मक सोच बिल्कुल ही नहीं लानी है, सकारात्मक सोच किसे आप प्रयोग करें। आपको 4 कपूर टिक्की लेनी है, अपने सर के ऊपर से अवारते हुए एक मंत्र का जाप करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद जैसे ही मंत्र का जाप पूर्ण हो जाता है, उस मंत्र का आपको 221 बार उच्चारण करना है, और आपको लगातार 3 दिन आपको इस कार्य को करना, तो आपको 12 कपूर टिक्की की आवश्यकता होगी। हर रोज आपको 4, आप अपने घर में चारों कोनों में, जैसे मान लीजिए या आपके घर में 4 कमरे हैं तो हर एक कमरे में एक एक टिक्की जला दे, नहीं तो आप घर के चारों कोनों में आसानी से, यदि आपके घर के चारों कोनों आपको मिल जाते हैं 4 कोन, तो उसमें आपको अपने ऊपर से हमारते हुए उस मंत्र को उच्चारण करते हुए एक एक टिक्की आपको घर के चारों कोनों में जलानी है, ताकि वहाँ एक जो वशीकरण का ऐसा वातावरण, वशीकरण शक्ति का प्रभाव हो सके, ताकि वह आपके पूरे जितने भी परिवार के लोग हैं उनके जो दिमाग में
आपके प्रति जो भी घृणा चल रही है या आपके जो कार्य में वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में वह कंट्रोल करेगी और उन्हें तब्दील कर देगी कि वह आपके हितकारी कार्य करेंगे, जो आप चाहोगे वैसा ही कार्य करेंगे और आसानी से आपके डिवोर्स के लिए मान जाएंगे। मित्रों इसी प्रकार आपको ध्यान से पूरी सुन ले, आप शनिवार गुरुवार शुक्रवार इन तीनों वार में से कभी भी इस कार्य को शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस कार्य को शुरू करें तो आपको लगातार 3 दिन इस कार्य को करना है। चाहे तो आप गुरुवार शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार तीनों वार हो जाएंगे। यदि आप शुक्रवार को शुरू करते हैं तो शुक्रवार शनिवार और संडे, और इसी तरीके से यदि आप शनिवार को संडे मंडे स्टार्ट हो जाएगा, इसी तरीके से आपको करना है। 12 आपको कपूर टिक्की की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम विधि करेंगे तो आपको चारों कोनों में जलाकर एक मंत्र का घर के बीच में खड़े होकर आंखें बंद करके मन ही मन उच्चारण करना है। ज्यादा बहुत बड़ी विधि करने की जरूरत नहीं, आपको घर से बाहर जाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, और यह कार्य आप केवल और केवल रात्रि में कर सकते हैं, इस बात का खास ख्याल रखें। और आप चाहें तो उस दिन भी कर सकते हैं, चाहे आपके घर के सदस्य बाहर गए हुए हों तो तब भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। मित्रों जो मंत्र की बात मैंने आपके सामने जो महामंत्र की बात की है, वह महामंत्र बहुत ही अचूक है, मैं आपको उच्चारण करके उसका नहीं बता सकता, क्योंकि यह उस मंत्र का तभी उच्चारण किया जाता है जब इसे प्रयोग में लिया जाता है, अन्यथा क्योंकि वह काफी शक्तिशाली महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र है तो उसका तभी उच्चारण किया जाता है जब इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, तो आप उसी समय इस कार्य में प्रयोग में ले, अन्यथा उससे पहले नहीं ले। मित्रों इस बात का खास ख्याल रखें, उस मंत्र को जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, और इस विधि व मंत्र से जुड़ी अन्य जानकारी व सावधानियां जानने के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं मित्रों, धन्यवाद।